नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ, वो है याद रखने की। कि आजकल बहुतों का ये रहता है कि मैं भूल जाती हूँ, मेरी उम्र हो गई है। छोटे से बच्चे भी ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी को शार्प कर पाएंगे, चीज़ों को याद रख पाएंगे। कुछ एक्सरसाइज भी बताऊँगी, कुछ डाइट भी बताऊँगी। बड़े ध्यान से समझिएगा इन सारी चीज़ों को, और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से इस वीडियो में 11 ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपकी मेमोरी को शार्प कर देंगे। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो होती है कि अगर हम कंटिन्यूसली ये सोचते हैं कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, और उससे भी ज़्यादा वर्स कि मैं तो भुलक्कड़ हूँ। तो जैसे ही आप ये सोचते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूँ, आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि आप चीज़ें भूल जाते हैं, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं कर पाता, और वो और ज़्यादा चीज़ें भूलने लगता है। तो कभी भी ये बातें खुद से ना करें कि मैं तो भुलक्कड़ हूँ, राइट? तो पहला पॉइंट यही है कि अपने आप को कभी भी ये मौका ना दें। हमेशा जब भी आप कभी भूल भी जाएं, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि इंसान का दिमाग सब कुछ याद नहीं रख सकता, ये नॉर्मल है। हर इंसान चीज़ें भूल जाता है। तो अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि आप अपने आप को याद दिलाएं कि ओके, मैं इस समय ये चीज़ भूल गई, ना कि ये बोले कि मैं तो भुलक्कड़ हूँ, राइट? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमारा आत्मविश्वास कम होता है, जब भी हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, तब हम ज़्यादा भूलते हैं। और ख़ासकर हमारा अगर कॉन्फिडेंस इस विषय में कम है कि जैसे मान लीजिए आप अगर इस टाइप से सोचते हैं कि मैं भूल जाती हूँ, देखना मैं पक्का भूल जाऊँगी, तो पक्का आप भूलेंगे। तो कभी भी आप ये शब्द ना यूज़ करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आप से कहें कि मुझे चीज़ें याद रहती है, मैं चीज़ें याद रख सकती हूँ, राइट? सबसे पहला पॉइंट था कि कभी भी अपने आप को भुलक्कड़ नहीं बोलना है, और दूसरा अपने आप से कहना है कि मुझे चीज़ें याद रहती है, मैं चीज़ों को याद रख सकती हूँ। तीसरा, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहेगी। वैसे तो हर तरीके की जो एक्सरसाइज होती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल सही होता है, वो करने से आपके याददाश्त में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आती है। लेकिन अब जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो आप चलते फिरते कर सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं, और कोई भी कितना भी समय तक के इसे कर सकता है। तो वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना होगा, आपको अगर भूलने की परेशानी है, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, राइट, तो आपको अपने राइट हैंड से ऐसे पाम बांधना है, मतलब ऐसे मुट्ठी बांध के रखना है 90 सेकंड तक। दिन में अगर आप 3 से 4 बार ऐसे 90 सेकंड तक के राइट हैंड से मुट्ठी बांधेंगे तो आपकी याददाश्त तेज होगी। और अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आती, समय पे याद नहीं आती, जैसे बच्चों के साथ होता है कि वो एग्ज़ाम हॉल में जाते साथ ही आंसर अगर भूल जाते, तो उन्हें अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से फिस्ट बांधनी चाहिए, मुट्ठी बांधनी चाहिए, राइट? अगर 90 सेकंड वो दिन में 3 से 4 बार 90 सेकंड के लिए ऐसे मुट्ठी को बांधेंगे तो उन्हें रिकॉल करने की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट? तो ये करना है। और ये बहुत अच्छे से आप इसको समझिए, ये रिसर्च प्रूव्ड है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रही हूँ, ये पूरी रिसर्च हुई है इसके विषय में कि ऐसी चीज़ें होती है। ये आप जब समझ चुके हैं तो अब अगला पॉइंट समझिए। एक और एक्सरसाइज बताती हूँ। जब भी आप किसी से मिले, चौथा पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको उस पर्सन की 4 चीज़ें याद रखने की कोशिश करनी है। मतलब आप उससे मिले तो उसे बड़े ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, फिर घर आइए, फिर वो उन 4 चीज़ों को एक्सरसाइज, उन 4 चीज़ों को रिकॉल कीजिए कि आप उस पर्सन में क्या देख के आए हैं। तो जब आप ऐसे रिकॉल करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप ज़्यादा फोकस्ड होते जाएंगे, राइट? ये मेंटल एक्सरसाइज आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद 5वें पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा, वो है मेंटली रिलैक्स करना। दिन में छोटा सा नैप आप ज़रूर लें। अगर आपने खाना पीना कर लिया है तो कम से कम 5 मिनट के लिए आप सो जाएं। सो ना जाए, अगर सो नहीं सकते, 5 से 10 मिनट की छोटी सी नींद नहीं ले सकते, तो कम से कम बिस्तर में लेट के शवासन जरूर कर लें। जब आप शवासन करेंगे तो भी आपकी मेमोरी शार्प होगी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग को चलाते रहेंगे तो मेमोरी कभी भी अच्छी नहीं होगी। मेमोरी को अच्छा करना है तो आपको रिलैक्सेशन पे जाना होगा, राइट?
और अगर जिनको ज़्यादा याददाश्त की परेशानी होती है तो उनको मैं बोलूँगी कि दिन में 3 से 4 बार आपको ज़रूर शवासन करना चाहिए। इसके बाद 5वां पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, वो है कि अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं, अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं तो आपको जैसे ही चीज़ें भूलने की आदत हुई, जैसे ही आपने कोई चीज़ भूली, आपको तुरंत स्माइल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्माइल करना चाहिए। तो स्माइल करने से क्या होगा? देखिए, जब आप स्माइल करते हैं तो आपके शरीर का जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कोर्टिसोल लेवल है, वो कम हो जाता है और उसके कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर सकें। तो अगली बार जब आपकी चाबी आपको याद ना आए कि कहाँ रखी है, अगली बार आप कोई चीज़ भूल जाए और याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ रख के आप उसे भूल चुके हैं, तो स्माइल करें, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस दुनिया में 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में राइट हैंड से वर्क करते हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ लोग वो होते हैं जो दोनों हाथों का अच्छे से उपयोग कर सकें। तो आपको करना ये है कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको लेफ्ट हैंड का भी यूज़ करना चालू करना है। जब आप अपने दोनों हैंड का यूज़ करना चालू करेंगे, दोनों हैंड से बराबर काम लेना चालू करेंगे, तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, तो ये करें। और इसके साथ साथ अब मैं कुछ खान पान की चीज़ें भी आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले एक और मुद्रा आप बड़े ध्यान से समझिए। ये कई बार आपने समझी है, कई बार आपने सुनी है और शायद आप करते भी होंगे, वो है ध्यान मुद्रा। ये जो हम ध्यान मुद्रा करते हैं ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें आप एक बात समझिए कि उंगलियों में कितना प्रेशर देना है। तो जैसे अगर आप इन दोनों उंगलियों के बीच से अगर एक पेपर को उठाने की कोशिश करें तो जो प्रेशर पॉइंट होगा, तो जितना प्रेशर लगेगा उतना प्रेशर आपको देना है, तो ये करें। और इसके साथ साथ आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करना है वो है अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, रिलैक्स रखना है। जितने आप काम रहेंगे, जितने आप रिलैक्स रहेंगे, उतनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी। और इसके साथ आयुर्वेद से संबंधित आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। डाइट वाइज इसको समझिए आप कि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जिन लोगों के शरीर में वात की मात्रा बढ़ जाती है उनमें सबसे ज़्यादा भूलने की परेशानी होती है, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। जो वात प्रकृति के इंसान होते हैं, मतलब जिनके बॉडी में एयर एलिमेंट ज़्यादा होता है, स्पेस एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो जल्दी चीज़ें भूलते हैं। तो अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प रखना चाहते हैं, तो आपको खाने में घी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि घी जो है वो आपके वात को कंट्रोल करेगा। इसको ऐसा समझिए कि अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन हवा में उड़ जा रही थी क्योंकि आपके शरीर में वात की मात्रा बढ़ी थी, और जब आप घी खाएंगे तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि घी खाने से शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है, चिकनाहट बढ़ती है, और आज साइंस भी ये मानता है, जानता है कि ब्रेन जो है वो अच्छे फैट सेल से बना होता है, और वो फैट सेल, अच्छे वाले फैट सेल घी में मौजूद होते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में। तो जब आप घी खाएंगे तो आपके ब्रेन सेल्स अच्छे से बनेंगे और आपकी याददाश्त तेज होगी, और घी खाने से जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छे से होता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक के जी पाते हैं। इसलिए खाने में घी शामिल ज़रूर करें, लेकिन खाने में अगर आप घी खा रहे हैं तो तुरंत उसके ऊपर से ठंडा पानी ना पिए, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखें। कितना घी खाना है? कम से कम 1 से 1.5 चाय की चम्मच भर के आपको खाने में घी ज़रूर लेना चाहिए, इसके साथ आप अगर खाने में अपने डाइट में घी तो शामिल करें, साथ ही साथ अच्छे से नरिशमेंट देने वाले भोजन लें, और नरिशमेंट देने के साथ वो खाएं जो आपको पचता है, तो भी आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है। ऐसा ना करें कि बहुत रश में खा के भागे, ऐसा ना करें कि एकदम घंटों टीवी के सामने बैठे रहें और धीरे धीरे खाते रहें, आराम आराम से खाते रहें, इससे बचना चाहिए, क्योंकि जितने अटेंशन से आप खाते हैं उतना ही आपका पेट जो है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है, और उतना ही उसको एब्जॉर्व करता है, और जब एब्जॉर्व अच्छे से होता है खाना आपका, तो वो आपके ब्रेन सेल्स को अच्छे से नरिशमेंट देता है और याददाश्त आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसके साथ आप ये तो जानते ही हैं कि खाने में आपके डाइट में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर शामिल होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट कब खाना है, कैसे खाना है, तो मैं एक बात बताऊं, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ, वो ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही नहीं खाना चाहते हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया,
मगज के बीज हो गए जो कुमड़े के अंदर होते हैं, ये सब आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चे अगर डायरेक्ट इसको खाना नहीं चाहे तो आप उसके उसको खीर में डाल सकते हैं, उनके हलवे उनको बना के दे सकते हैं, उसको उसकी चिक्की बना के दे सकते हैं, उसको चॉकलेट्स में डाल के दे सकते हैं। तो कैसे भी आपको ड्राई फ्रूट्स अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए ताकि उनके ब्रेन सेल्स स्ट्रांग हो, राइट। और इसको खाने का कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि शाम सूर्य ढलने से पहले खा लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसका पाचन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि उसमें भी जो फैट्स होते हैं वो बहुत जल्दी पचते नहीं हैं, राइट। इतना ही मैं कहूँगी, बाकी आपके शहर के मौसम के हिसाब से आपको ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए कि उसको पानी में भिगाना है या नहीं भिगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में रहते हैं, शिमला उट्टी कश्मीर ऐसी जगह में रहते हैं, तो फिर आपको पानी में भिगाया हुआ बादाम खाने से ज़्यादा नुकसान होगा, या इतना ऐसा कह सकती हूँ कि पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप गर्म जगह पर रहते हैं और एकदम सूखी सूखी बादाम खाएंगे तो वो कई बार आपको नुकसान कर सकती है, कई बार एसिडिटी बढ़ा सकती है, क्योंकि उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो जगह के हिसाब से आप खान पान करें, राइट। तो ये बातें आपको अच्छी लगी, इसके बाद एक पॉइंट और समझिए, वो है कि आप अगर अपने मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो आपको पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सही से पहुंचता है, राइट। जैसे जैसे शरीर में पानी का फ्लो होता है वैसे वैसे शरीर में ऑक्सीजन का भी फ्लो होता है, और जब ऑक्सीजन का फ्लो होता है तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। या ऐसा कहूँ कि शरीर का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन अगर कोई हिस्सा करता है तो वो आपका ब्रेन करता है। तो अगर आप पानी अच्छे से नहीं पिएंगे, अगर आप ऑक्सीजन अच्छे से नहीं देंगे बॉडी को, अपने ब्रेन को, तो कभी भी आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी। तो याददाश्त अच्छी रखनी है तो पानी अच्छे से पिए, हाँ, लेकिन ओवर हाइड्रेशन भी ना करें, अदरवाइज उससे भी नुकसान होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, और एक बार मैं आपको सारी बातें रिकॉल करवा देती हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। पहली चीज़ है कि कभी भी अपने आप को भुलक्कड़ ना कहें। दूसरा, अपने आप को ये आत्मविश्वास दिलाएं कि मुझे सारी चीज़ें याद रहती है, मैं सब कुछ याद कर सकती हूँ। तीसरा है पाम एक्सरसाइज, जो मैंने बताया था कि राइट हैंड अगर आप ऐसे फिस्ट करेंगे तो ये चीज़ें याद रखवाएगी, लेफ्ट हैंड ऐसे अगर आप मुट्ठी बांध के रखेंगे 90 सेकेंड के लिए तो आपकी रिकॉलिंग वैल्यू बढ़ेगी। चौथा, हमने समझा था कि हमको ध्यान मुद्रा में बैठना है। पांचवा, हमको घी खाना है। छठवा, हमको पानी अच्छे से लेना है। सातवा, हमको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने में शामिल करना है। आठवा, हमें हाथों का यूज़ जो है वो बारी बारी से अच्छे से, मतलब हाथों का यूज़ करना है, दोनों हाथों का यूज़ करना है। नौवा, मैंने बताया कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे बड़े ध्यान से देखें और उसकी चार चीज़ें ज़रूर याद रखें, राइट। उस इंसान की चार चीज़ें क्या हो सकती है, कि वो कैसे स्माइल करती है, या कैसे वो ड्रेसअप होती है, कैसे उसने मेकअप लगाया है, उसने ज्वेलरी कौन सी पहनी, एज सिंपल एज दैट। और घर आके उसको रिकॉल करना है। और इसके साथ मैंने बताया था कि आपको मेंटली रिलैक्स करना है, शवासन करना है। और ग्यारहवा है कि आप जब भी कोई चीज़ भूल जाए तो सबसे पहले स्माइल करें ताकि वो चीज़ याद हो जाए, याद आ जाए ज़्यादा अच्छे से, स्ट्रेस लेवल के कम होने के कारण। तो ये 11 चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि अगर आप इसको फेसबुक पेज में सुन रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर राशि जैन को लाइक करें और फॉलो भी कर लें ताकि ऐसे लाइव वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इसे यूट्यूब में सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगी, अरे आप जानते ही हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएँ, बहुत अच्छे से आपके लाइफ के सारे एरियाज़ में वेलनेस आए और आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएँ। धन्यवाद, नमस्ते।